हेलो एवरीवन, स्वागत सभी का एचपी स्टडीज पे। होप करता हूँ सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 9 आपका एचपी अलाइड की रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, तो पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, उसके अलावा अगर आप में से कोई हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, अगले साल की कोई तैयारी कर रहा है, तो हमारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो निम्बस करी रैप पे जाके। ठीक है जी, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से बोला गया एज ऑफ जून 2023 बिगेस्ट आपका IMF डेटर कंट्री कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा कर्जदार कंट्री कौन सी IMF की तरफ से, अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन या फिर इक्वाडोर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, अर्जेंटीना पहले नंबर पे है और यहाँ पे आपका जो इजिप्ट है वो सेकंड नंबर पे कंट्री आपकी देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बोला गया विच कंट्री इंडिया एंटर्ड इन ए एग्रीमेंट टू प्रमोट द यूज़ ऑफ द लोकल करेंसी फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करने के लिए लोकल मुद्राओं का यूज़ करने के लिए समझौता किस कंट्री ने किया है, यहाँ पे UAE, फ्रांस, तंजानिया या फिर सिंगापुर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए UAE आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट टॉप इन द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022। तो यहाँ पे 2022 का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है इसमें टॉप किसने किया हुआ है, तो यहाँ पे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है। आगे बोला गया एक मिशन के बारे में, नाम है मिशन माहिर। तो मिशन माहिर बोला गया किससे आपका रिलेट करता है, तो माहिर आपका क्या है यहाँ पे, मिशन ऑन द एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिशन ऑन द एडवांस्ड यहाँ पे और हाई इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में बात करता है, तो किससे रिलेट करता है आपका, तो एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन द पावर सेक्टर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बोला गया ये जो प्रोजेक्ट कुबेर है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट कुबेर है ये आपका किसके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो किसने किया है, नाबार्ड ने, सेबी ने, SBI ने या फिर आपके SIDBI ने। तो यहाँ पे सेबी आपने ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, इनकी तरफ से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कुबेर है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो SCO से पूछा गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चार सिमेंट्स को पढ़ना है और यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बोलते सबमिट जो 2023 का हुआ था वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। आगे बोला गया जो इंडिया इसका जो चेयरमैनशिप है वो 2024 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी, और यहाँ पे जो परमानेंट यहाँ पे ईरान बना है 2023 का मेंबर। ठीक है, 2023 में परमानेंट मेंबर 23rd जो सबमिट हुआ है, और यहाँ पे जो थीम रखी 23rd सबमिट की वो क्या है, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। 23rd सबमिट की बोल थीम क्या थी, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO को थीम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, चारों की चारों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10th मेंबर कौन सा बना है, बेलारूस बना है, और उसके अलावा यहाँ पे इसके जो ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, तो मंगोलिया और अफगानिस्तान आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला यहाँ पे कि आपका जो कंदमल हल्दी है इसको यहाँ पे भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है, ये कौन से राज्य में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी हल्दी है ये कहाँ पे यहाँ पे उगाई जाती है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, उड़ीसा में इस पर्टिकुलर हल्दी को उगाई जाती है। तो ग्रेन ATM भी आपको कहाँ देखने मिला, ग्रेन ATM अगर आपकी बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पे उड़ीसा में ही देखने को मिला है, पहला ग्रेड ATM है, याद रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे वो लगे कि कौन सी आपकी सिटी है जिसने यहाँ पे जिसको टैग किया गया हैड कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, कौन सी बनी हैड कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइडोन हैड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हैड कैपिटल को जो आपका टैग दिया गया वो आपका मुंबई को दिया गया, सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे चेन्नई देखने को मिल जाएगा हैड कैपिटल के रूप में। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है कि पहला इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसने कैंपस आउटसाइड इंडिया यहाँ पे स्टेब्लिश किया है, क्या नाम है उसका, तो यहाँ पे जांजीबार तंजानिया आपको नाम देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे IIT मद्रास की तरफ से इसको शुरू किया गया है। अब देखो IIT दिल्ली की तरफ से भी एक कैंपस यहाँ पे आउटसाइड इंडिया यहाँ पे शुरू किया गया है, उस कैंपस को मतलब कौन सी कंट्री में शुरू किया गया है, तो ये आपने मेरे को यहाँ पे आंसर कर देना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सागर संपर्क के बारे में, बोला गया कौन सी आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो जो सागर संपर्क है पहले क्या है, ये एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, पहले स्टेटमेंट बोला गया है। सागर संपर्क को लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में, और यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका ये जो DGNSS है ये आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा जो आपके मरीन सर्फर्स होते हैं जो आपके नेविगेशन करने जाते हैं उनका रिस्क को कम करेगा, कोलिजन के ग्राउंडिंग को कम करेगा, एक्सीडेंट जो होते हैं हार्बर एरियाज में उनको यहाँ पे कम करने में हेल्प करेगा। आगे बोला गया इसको इसरो की तरफ से यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो वाटर वेज और शिपमेंट का आपका जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ठीक है, या उसकी तरफ से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बोला गया जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो इसको जो डेवलप किया गया वो कहाँ पे किया गया, आपका लोथल गुजरात में इसको डेवलप किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे हवा सॉन्ग 18 के बारे में, ठीक है। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था जुलाई 2023 में, तो बोला गया ये क्या है, ये आपका ना एक एयर-टू-एयर मिसाइल है, एक स्कॉर्पियन का सबमरीन है, स्पेसशिप है, या फिर आपका ICBM है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बिलिस्टिक मिसाइल आपको देखने मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बोला गया है आपका जो करी इशाद मैंगो है इसको GI टैग दिया गया हाल ही में, तो ये कौन सी स्टेट में ग्रो किया जाता है, तो ये आपका ग्रो किया जाता है कर्नाटका में। आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो IIFM आपका कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो भोपाल में आपको ये जो इंस्टीट्यूट है ये देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा। आगे बोला गया कि बीच सिटी हैज होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम क्या आपका, FE इंडेक्स, ठीक है। तो अफ्रीका इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन है वो कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे देखने को मिला ऑप्शन नंबर सी पुणे में, आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया पराक्रम दिवस के बारे में तीन स्टेटमेंट आपकी दी गई हैं, आपने बताना है सही कौन सी है। मतलब यहाँ पे बोला गया इसको स्टार्ट किया गया 2014 से, बोलते हैं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की होती है जब इसको यहाँ पे डे हम यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे बोला गया जब पराक्रम दिवस 2024 का प्रोग्राम हुआ है तो यहाँ पे जो भारत पर्व है ये लॉन्च किया गया है आपके नेशनल की विविधता को शो करने के लिए। देखो पहले स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे कि 2021 में आपका जो आपका इवेंट है, ठीक है, ये जो आपका पराक्रम दिवस है इसको शुरू किया गया, ठीक है, इसलिए सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे वो लगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने राइट स्टेटमेंट का यहाँ पे आंसर करना है। पहला बोला है कि ये मेंबर थे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, ठीक है, पहले बिल्कुल सही है। और सेकंड बोला गया इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल में मेजर रोल प्ले किया था, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल में यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ना, और इनको यहाँ पे भारत रत्न भी हाल ही में दिया गया है। आगे कम्युनिटी के बारे में बात की जा रहा है जिसका नाम क्या आपका आपका चकलिया कम्युनिटी। देखो चकलिया कम्युनिटी यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज को ये बोलते हैं जिसका नाम है मधिका लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे मधाइका या फिर मधिका लैंग्वेज को ये बोलते हैं, और इस लैंग्वेज को बोलने वाले इस कम्युनिटी के अभी दो लोग बचे हैं, ठीक है, और ये आपकी लैंग्वेज बिल्कुल ही आपकी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। और ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है आपकी कर्नाटक केरला में, ये जो लैंग्वेज है इसको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका केरला यहाँ से राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे गंगा सागर मेला के बारे में, बोलते यूपी में ये मेला होता है हर साल मकर संक्रांति के अवसर पे, और बोला गया सेकंड लार्जेस्ट आपका यहाँ पे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं आफ्टर द कुंभ मेला, तो ये बिल्कुल सही है, और ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बोला है GI टैग के बारे में, तो यहाँ पे जो GI टैग है बोलते हैं आपका एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन बताता है किसी भी टैग का ना, कि यहाँ पे साइन बताता है ये प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसकी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है। और बोलते हैं जो टैग है ये 5 साल के लिए दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा, 10 साल के लिए टैग दिया जाता है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, बोलते हैं जब गांधी जी आपके इंडिया से यहाँ पे इंडिया से जापान से तब ये डे मनाया गया था, तो ये तो गलत है। आगे बोला था ओनली NRIs को यहाँ पे अवार्ड किया था उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, NRIs के अलावा बाकियों को भी यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस में ऐड किया था, तो ये भी गलत हो जाएगी, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी नीदर वन नॉट टू यहाँ से राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपका यूनिकॉर्न के बारे में, तो बोलते यूनिकॉर्न क्या है, एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप है जहाँ पे जो यूनिकॉर्न किसको बोला जाता है, जिस कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से ऊपर हो जाती है, और बेंगलुरु को बोला जाता है इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल, जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आपको यूनिकॉर्न हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। सेकंड सेट बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे 10 मिलियन की बजाय आपको क्या होगा 1 बिलियन आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, सेकंड आपकी ओनली सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बोली गई है। आगे बोला गया यहाँ पे कि पुंगनूर काऊ के बारे में, ठीक है, आपको ये न्यूज़ में देखने को मिली हाल ही में, तो इसका ओरिजिन आपके कौन से रीजन में आपको ये जो पुंगनूर काऊ है ये देखने को मिल जाएगी, ये आपने यहाँ पे राइट आंसर बताना है कहाँ पे देखने को मिलेगी काऊ ये वाली, तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश, आपने यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बोला गया विद रेफरेंस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स को बताना है कौन सी सही है, तो पहला बोला गया ये पार्ट है DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उत्तराखंड और गोवा है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया UCG को सबसे पहले, तो दोनों बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। आगे पूछा गया आपसे कि रिगार्डिंग द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, तो यहाँ पे आपने करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, जो नहीं है ना इनकरेक्ट नॉट करेक्ट बताना है आपने यहाँ पे जो सही नहीं है। तो पहला बोला गया कि ये आपका
प्रोवाइड करता है डिसीजन न्यूज़पेपर का, पीरियडिकल्स का, इंक्लूडिंग द साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स। आगे बोला गया है कि ऑनलाइन मैकेनिज्म है, ठीक है, टू अप्लाई फॉर द टाइटल वेरिफिकेशन ग्रांट फॉर द सर्टिफिकेट बाय द आपका रजिस्टर जर्नल। और बोला गया ये पर्सन जो कन्विक्ट करा गया किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, वो भी अलाउ है उसको प्रोटोकॉल को पब्लिश करना। देखो थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगी, थर्ड उसको प्रोटोकॉल पब्लिश करना यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पे सेकंड आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, जहाँ पे सेकंड सही है तो ये आपका सही वाले तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 ओनली इज द राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। आगे बोला गया कि कौन सी पहली महिला है चेयरपर्सन है जिन्होंने लीड किया है सेबी को, एंड ऑल्सो सेबी की पहली नॉन आईएएस चेयरपर्सन है ये, तो इनका नाम क्या होगा आपका, माधवी पूरी बुच देखने को मिलेगा आपको, बताइए काफी न्यूज में अभी आपको देखने को भी मिलेगी माधवी पूरी बुच, ठीक है। तो इनके बारे में आपने ये सारी चीजें हैं जो याद रखनी है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 26 अप्रैल आपने ये डे याद रखना जब हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को मनाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आईपी इंडेक्स के बारे में, यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया रैंक आपने यहाँ पे मेरे को आंसर कर देना है आईपी इंडेक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बोला गया यहाँ पे कि कौन सा एरिया है जो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है आपका अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तो कौन सा एरिया है काफी फेमस आपको एरिया देखने को मिलेगा, नाम क्या है इसका, नगोर्नो कारबाख आपको एरिया का नाम देखने को मिलेगा जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है किसके बीच में आपका अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एवेक्यूएट द स्टैंडर्ड इंडियंस इन सूडान, सूडान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंडिया की तरफ से शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन काबेरी आपने याद रखना है, ऑपरेशन गंगा यहाँ पे यूक्रेन के लिए शुरू किया गया था, ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे बोला गया जो इंडिया का पहला फर्स्ट एवर जो मेट्रो सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ पे कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो यहाँ पे केरला में पहला आपका यहाँ पे फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया गया, केरला आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया इंडिया का रैंक क्या आपका क्या देखने मिलेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, ठीक है, 2023 में रैंक क्या था इंडिया का, तो 161 था, 2024 में यहाँ पे रैंक क्या आया, तो यहाँ पे 150 रैंक 9 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 159th रैंक यहाँ पे इंडिया का देखने को मिल जाएगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आगे बोला गया इंडिया का पहला आपका जो एयरफोर्स हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सेंटर है वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये इनोग्रेट किया गया आपका यहाँ पे चंडीगढ़ में, ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है किसके बारे में, एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022-23, ठीक है, 2022-23 का जो रणजी ट्रॉफी का टाइटल था वो कौन सी टीम ने जीता था, तो वो जीता था आपका सौराष्ट्र ने, ठीक है, सौराष्ट्र आपने याद करना है। और अगर मैं बात करता हूँ 23-24 का टाइटल, तो यहाँ पे 23-24 का जो टाइटल है वो जीता था आपके यहाँ पे मुंबई ने, ठीक है, मुंबई 23-24 का टाइटल, और यहाँ पे सौराष्ट्र आपका यहाँ पे 22-23 का टाइटल, ठीक है, दोनों चीज़ें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया विच कंट्री ज्वाइन द नेटो एज द 32nd मेंबर, ठीक है, 32 मेंबर कौन बना नाटो का, फिनलैंड डेनमार्क यूक्रेन स्वीडन, ठीक है, तो स्वीडन आपका बना है 32वां मेंबर और 31वां मेंबर क्या था आपका फिनलैंड देखने को मिलता है, ठीक है जी, और ये चीज़ आपने याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बोला गया विच वन बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% आपका इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम, तो यहाँ पे 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम जहाँ पे देखने को मिलेगा, 100% आपका विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हरियाणा राइट आंसर देखने को मिलेगा, हरियाणा आपका है जहाँ पे आपको 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेशन, होप करता हूँ सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, क्वेश्चंस को आपने जो आंसर है वो किया होगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगले साल के लिए, तो ये पर्टिकुलर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो एचपी एलाइड के लिए, एचपी पटवारी के लिए बैच अभी स्टार्ट हुआ है 29 अगस्त से, ये भी नंबर्स का यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जेबीटी की कोई तैयारी कर रहा है तो इस पर्टिकुलर बैच को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द लास्ट, अगर कोई चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, HV401 पे मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करके अपना डाउट हमसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन, ठीक है जी, और यहाँ पे कीप वर्किंग हार्ड, पेपर आपका यहाँ पे जल्दी ही, मतलब 2-3 दिन ही बचे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जी जान लगा दीजिए पेपर की तैयारी में, ठीक है जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है जी। सो मिलते हैं कल के सेशन में, कल आपका यहाँ पे महा एक मैराथन सेशन होने वाला है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरे पेपर को, तो मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।